आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बख्तावर भुट्टो के यहाँ एक साल में दो बेटों की पैदाइश पर आवाम ने इन्हें तनकीद का निशाना बनाया है और इनके बारे में क्या कुछ कहा है, तमाम तफसीलात बताई जाएंगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों मैं आपको बताती चलूँ की बख्तावर भुट्टो शहीद बेनजीर भुट्टो की बेटी है और बख्तावर भुट्टो के वालिद साहब के बारे में बात की जाए तो वो आसिफ अली जरदारी हैं और इनके भाई का नाम बिलावल भुट्टो है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि बख्तावर भुट्टो की शादी 2021 में हुई थी और इनके पहले बेटे की पैदाइश इनकी शादी के 8 माह बाद हो गई थी 10 अक्टूबर यानी कि 2021 को और आज 5 अक्टूबर को इनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई है। इस बात ने तो फैंस को जैसे हिला कर रख दिया हो, नेपटिज्म्स को बात करने का फिर से मौका मिल गया है। सोशल मीडिया पे बख्तावर भुट्टो को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। ये तमाम तरह बातें देखते हुए बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पे अपने फैंस के साथ पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि बेबी ने नवंबर में आना था लेकिन बेबी ने अक्टूबर में आकर सबको सरप्राइज कर दिया है। इस पर आवाम काफी ज्यादा हंस रही है और मजाक बना रही है कि बख्तावर भुट्टो जी ना सिर्फ उन्होंने आपको सरप्राइज किया है बल्कि इन्होंने पाकिस्तान की पूरी आवाम को सरप्राइज कर दिया है। बख्तावर भुट्टो के यहाँ 1.5 साल में दो बच्चों की पैदाइश ने आवाम को हिला कर रख दिया है। 1.5 साल में दो बच्चों की पैदाइश पर बख्तावर भुट्टो को सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इनके बारे में तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि सोशल मीडिया पे बख्तावर भुट्टो अपने फैंस को इस बारे में क्या जवाब देती है। तो दोस्तों इस सिलसिले में आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।